Fearless batting and aggressive approach make Shafali Verma a unique batter. She played a brilliant knock of 96 in the first innings against England and a quick-fire 63 in the second. In a special chat with NNIS Sports, former Indian women's cricketer Reema Malhotra says, "I believe that India is very lucky that Shafali Verma is playing for India, and for many teams, Shafali will become a headache. She is already a star, isn't it? And she's just 17 and at the age of 15 she broke the record of Sachin Tendulkar. Then at the age of 16 she became #1 T20 batter, and now she's just 17 and she made a dream debut. What else you want? I mean, she batted brilliantly in both the innings and I just loved the way she tackled the England bowling attack. Ek battle mujhe especially बहुत पसंद आया, the young sensation Shafali versus the legend with the ball. ब्रंट वो देखने लायक था क्योंकि ब्रंट काफी समय से इंग्लैंड टीम का हिस्सा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, एग्रेशन है उनके पास, वो एक्सपीरियंस है, लेकिन शिफाली वर्मा के जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की ना, बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेला। ये फेयरलेस एटीट्यूड ना इस खिलाड़ी का वेपन है और मैं चाहूँगी कि इसको ना ज़्यादा छेड़े ना, आप इनको ऐसे ही चलने दीजिए क्योंकि ये खिलाड़ी इंडिया टीम को बहुत से मैचेस जिताएगी और मेरा मानना है कि इंडिया ना बहुत लकी है कि शेफाली जो है ना वो इंडिया में है और इंडिया के लिए खेलेगी। तो बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसी टीम्स होंगी जिसके लिए ये खिलाड़ी बनेगी सरदर्द। See, for me, Sneha Rana is the most impressive debutant simply because the way she handled the pressure, the way she bowled in the first inning, took 4 wickets and then with the bat saved the match for India. For me, it's not a draw, it's a win for India. Because जिस situation में India थी ना, एक तरह से हार के मुंह से draw को निकाला है और उसमें बहुत बड़ा contribution है Sneha Rana का। वो partnership शिखा पांडे के साथ, उसके बाद तानिया भाटिया के साथ, वो match saving partnership थी और pressure को handle करना जानती है। देखिए 5 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रही, उसके बाद नी इंजरी भी हुई, उसके बाद 2 मंथ्स बैक शी लॉस्ट हर फादर, सो टफ टाइम से आई हैं, टफ क्रिकेटर हैं, ये जानती हैं कि गिर के कैसे उठते हैं, इसलिए मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स में से है। रेलवेज के लिए खेलती है और पिछले दोनों ही डोमेस्टिक सीजन है इनके बहुत अच्छे गए हैं, इसलिए इनको अब इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर से एक मौका दिया गया है एंड राइटली सो, क्योंकि आप ऐसे क्रिकेट को ना ज़्यादा देर तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर नहीं रख सकते जिसके पास तीनों ही डिपार्टमेंट में एक काबिलियत है और टफ सिचुएशन में परफॉर्म करना जानती हैं। और मिथाली राज से अच्छा कोई नहीं जान सकता क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में रेलवेज के लिए खेलते हैं और रेलवेज की कैप्टन है मिथाली राज और वाइस कैप्टन है स्नेहा राणा, तो बखूबी जानते हैं कि किस तरह फॉर्म का फ़ायदा उठाया और किस तरह उनको यूटिलाइज किया। इसीलिए मैं कहूँगी एक बहुत ब्रेव मूव था और उसके आगे की स्टोरी तो हम जानते हैं, लेकिन आने वाले मैचेस में भी चाहे वो वनडे हो या T20 में ये खिलाड़ी का बहुत अहम रोल रहेगा।